सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिका सिंह। सो मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई भी बाढ़ ना आए, सारा हमारा देश खुशहाल रहे। तो ये होली सबके लिए बहुत अच्छी रहे। मिका भाई, इश्क कर ले एनी टाइम, हमने सुना कि ये प्रमोशनल सॉन्ग होने वाला आपका। जी, तो आप जरा इस गाने के बारे में बताइए। तो वेल, ये गाना जो है संता एंड बंता मूवी का गाना है, जिसमें मैंने दो गाने गाए हैं, एक तूती बोल दी और दूसरा ये गाना है इश्क कर ले एनी टाइम। करेक्ट। और सर जी हमारे डायरेक्टर हैं मूवी के, और दूसरी जो आवाज़ है वो सोनू भाई की है, सोनू निगम साहब की। फीमेल वॉइस हमारी अश्मिता हमारे साथ बैठी है। तो सर ने मुझे बोला कि ये गाने के लिए ट्वीट करो। तो मैंने बोला अगर मैं ये गाने को ट्वीट करूँगा तो क्यों ना इस गाने को और बेटर कर दें, क्यों ना इसको नई साउंड डाल के, आजकल का जो यूथ का म्यूज़िक चल रहा है, क्यों ना, क्योंकि गाना पहले ही कुमार साहब ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है मूवी के हिसाब से। तो मैं क्या, एक प्रमोशनल ट्रैक हो जाएगा, बिकॉज कभी भी मेरा और सोनू निगम का गाना आया नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने सर को आइडिया दिया, उन्होंने बोला यार बहुत अच्छी बात है, इसको प्रमोशनल ट्रैक करते हैं। तो सारी डेट्स वगैरह लॉक हो गई है, लेकिन एंड टाइम पे सोनू भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनकी लेग में फ्रैक्चर हो गया, तो जिसके कारण वो आ नहीं पाए। आना चाहते थे लेकिन हमने उनको मना कर दिया, आप पहले रेस्ट कर लो। बट गाना बहुत अच्छा है एंड यूथ का गाना है। जैसे मेरा सुबह होने ना गाना था, आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट 4 साल बाद ये इस तरीके का गाना आ रहा है। जब ये गाना बना था तो उसमें यही था कि एक उनको वही सुबह होने ना स्टाइल जैसे गाना को चाहिए था। तो आई थिंक कुमार साहब ने बहुत अच्छा ये गाना लिखा है, और जो राइटर कुमार है हमारे, तो यशराज में हमने इसकी रिकॉर्डिंग करी थी। बट उसको उस, क्योंकि एक साल पहले, आजकल हर एक महीने में गाना म्यूज़िक चेंज हो जाता है, गाना सेम रहता है लेकिन म्यूज़िक ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी हिप हॉप आ जाता है, कभी ट्रांस आ जाता है, कभी हाउस म्यूज़िक चल जाता है। तो आजकल के हिसाब से हमने इसका पूरा, मैंने विद इन 1 वीक ये गाना पूरा इसका म्यूज़िक चेंज किया। वेरी नाइस क्लब मिक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लब मिक्स। जी, एंड अश्मिता मुझे सारे गामा पापे मिली थी, और वहाँ पे डर गई थी जब ये गा रही थी। तो जब इसकी ऑडिशन हुई तो सुपर 100 जो हमारा एक चल रहा था उसके अंदर ये बिल्कुल ही घबरा के आउट हो गई थी। तो फिर जब मैंने इसको पर्सनली इसकी आवाज़ सुनी तो बहुत अच्छी आवाज़ लगी। तो मैंने इनको बोला कि यार आप ये पटियाला में रहती हैं, मैंने कहा आप आ जाओ, ऐसा ऐसा एक गाना है और तुम्हारी किस्मत खुल गई कि मिका सिंह एंड उससे बड़ी बात है सोनू निगम, उनके साथ इनका गाना हो रहा है। तो आज इसके लिए पहला सॉन्ग है, नाम शोर के आप सभी को गाना अच्छा लगेगा। गाना ऑलरेडी हिट है, और जब ये वीडियो बनेगा तो कोरियोग्राफर है हमारे फिरोज़। करेक्ट। जो डायरेक्ट भी कर रहे हैं गाने को और कोरियोग्राफी कर रहे हैं। सर ने अभी बताया कि हो सकता है आप आई थिंक इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी होकर आ सकते हैं। देखो, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब में क्यों नहीं। वेल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हम दोनों के, मेरे और सोनू भाई के कॉमन फ्रेंड हैं, बहुत काम के अलावा हमारी बहुत अच्छी दोस्ती इनके साथ। तो काम पहली बार मैं इनके साथ कर रहा हूँ, बट मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, और जब भी मैं इनको मिलता हूँ बहुत एक पंजाबी है इनका स्टाइल। और संता बंता जब बन रही थी तो भी बहुत ही एक फ़नी, बहुत ही कमाल की मूवी है, और बड़े टाइम बाद ऐसी फ़नी यू नो कॉमेडी टाइप मूवी आ रही जो लोगों को अच्छी लगी। एंड वीरदास तो वैसे ही बहुत कमाल है, एंड बमन ईरानी सब जानते कि ही इज़ फैंटेस्टिक। यू नो हमारी फिल्म का म्यूज़िक इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि बमन ईरानी और वीरदास हमने एक जोड़ी पकड़ी फॉर संता बंता, फिल्म का म्यूज़िक इतना इंपॉर्टेंट है, दो चार गाने तो चार्ट टॉपर्स है, कि हमको वहाँ भी एक ऐसी जोड़ी पकड़नी थी जो संता और बंता हूँ, एंड हु बेटर देन दीज टू। बिल्कुल, सोनू एंड मिका आर फॉर मी देर आर टू संता बंताज, वन इज द वॉइस एंड वन इज द फेस, एंड दे आर द वॉइसेस ऑफ संता। आज बहुत मजा आता अगर सोनू जी आ पाते। वी आर मिसिंग हिम, बट ही इज लाइक अ ब्रदर टू हिम एंड मी, बट जेन्युइनली वो तो आने को रेडी हो गए थे कि मैं चेयर पे बैठ के यू नो शॉट देता हूं। ही वाज रेडी टू डू इट इवन ऑन अ चेयर, बट इट इज नॉट फेयर, दो ही दिन हुए हैं, थोड़ा जख्म ही लो, तो भाई हैं हमारे इनके, तो वी विल मिस हिम। अच्छा मेघा जी, जैसे आपने बोला आपने इस मूवी में दो गाने गाए, तो उन दोनों में से आपको पर्सनली कौन सा गाना आपको अच्छा लगा? ये गाना मेरा फेवरेट इसलिए बिकॉज इसमें सोनू सर ने बहुत डिफरेंट तरीके से ये गाना गाया, एंड अश्मिता ने भी बहुत अच्छा गाया, और बिकॉज ये यूथ का गाना है और क्लब में आजकल ऐसे ही गाने चलते हैं, और बहुत रेयर होता है कि मेलोडी अच्छी हो, कंपोजिशन अच्छी हो, ऊपर से म्यूज़िक अच्छा हो, रिटन लिरिक्स अच्छे हो, तो ये पूरा पैकेज है इस गाने में। ज़्यादातर होता है कि गाना अच्छा नहीं होता तो बीट अच्छी होती है, या बीट अच्छी नहीं होती तो गाना अच्छा होता है, तो ये पूरा एक अच्छा कॉम्बो हो गया।
और एक बहुत ही न्यू रैपर है, उसका नाम है मिलन गाबा, जिसने रैप करा है। ही इज़ फ्रॉम पंजाब, बहुत पॉपुलर है पंजाब में। तो उसने मेरा वेलकम बैक का भी म्यूज़िक करा था। इवन बिल्लो मेरा एक सॉन्ग आ रहा है, उसका भी म्यूज़िक मिलन ने करा है, वो भी थोड़ी देर में अभी आने वाला ही है। एंड बहुत फ्रेश म्यूज़िक है, आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आजकल रैपर, आजकल कुछ लोग, हनी सिंह ने अभी अभी हाल में बादशाह को नैनो कार कहा, आपने सुना भी होगा। हाँ। और अपने आप को रॉस रॉयल्स बताया, तो आप क्या इस पे क्या कहना है, क्या कहना चाहिए? वेल, मेरे दोनों भाई हैं, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ एंड दोनों बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनकी कभी इंटरव्यूज चेक करेंगे तो हमेशा बोलते थे कि मैं, हमने मिक्का पाजी का शो अटेंड करे थे। एंड हनी इज़ लाइक माई ब्रदर एंड बादशाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो आई एम श्योर के देर इज़ नो कंपेरिजन, नो कम्पिटिशन, बिकॉज हनी का एक अपना स्टाइल है एंड बादशाह का अपना स्टाइल है। और अच्छी बात है कि दोनों चल रहे हैं एंड दोनों चलें, जो भी मेहनत करेगा वो आगे आ जाएगा। देखो मिक्का जी दोनों के कलीग हैं, मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा बॉम्बे के रोड पर दोनों सेम स्पीड पर चलेंगी। हाँ, ट्रैफिक इतनी है। देखो पहले जो इसका म्यूज़िक था, म्यूज़िक अच्छा था, लिरिक्स भी अच्छे थे, लेकिन वो एक टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल था। तो आजकल आप जितने भी गाने आ रहे हैं, जो मैंने और दिलीप भाई ने 98 में एक ट्रेंड सेट करा था पॉप सिंगिंग का, वापस अब बहुत ज़्यादा वीडियोस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। नो मैटर के फिल्म की स्टोरी के साथ गाने का कोई तालमेल नहीं है। मैंने के प्रमोशनल ट्रैक अच्छा होना चाहिए और साथ में जैसे संता बनता जोड़ी है, तो दोनों के हिसाब से दो आवाज़ें इनको चाहिए थी। ज़्यादातर मैं आजकल पांच हीरो में अकेले ही आवाज़ मैं देता हूँ, लेकिन इनकी डिमांड थी। लेकिन अच्छा हुआ कि सोनू भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया एंड आई एम श्योर कि ये गाना सुपर हिट जाएगा। और जैसे कि हमने पूरा म्यूज़िक इसका चेंज करा, इसको पूरा क्लब मिक्स बना दिया हमने। तो इनकी जो होता ना एक कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी बहुत घबराहट होती है जब मिक्का पाजी के साथ हम गाना गा रहे हैं। ये आजकल मैं अपने अपने दिन याद आते हैं सर? नहीं, आजकल मैं बोलूँगा जितने भी आजकल न्यू कमर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आज जैसे हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल था, मेरे टाइम पे जब मैं आया था तो एक तो इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे लिए कि हम सारे गाँव या कुछ ऐसे रियलिटी शोज़ में जाएं। दूसरा इतनी खास ट्रेनिंग थी, लेकिन आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, अगर आप उनको कोई लता जी का गाना दे दो, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना दे दो, वो ऐसे ही गा देते हो फतह। तो जो मैं जज कर रहा हूँ सारे गाँव पा, जो 25th या 26th मार्च से शुरू हो रहा है, जितने बच्चे आ रहे हैं बहुत ही कमाल के हैं। सो जब इसने गाना गाया तो इतनी कोई घबराहट नहीं थी। कोई ऐसा उन दोनों के ऊपर मजाक या जोक नहीं है, बिकॉज अभी बहुत सारा, जैसे मैं खुद सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत ही इस टाइम प्रचार चल रहा है कि कोई भी जोक्स या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बट कुछ नहीं, इसमें ये दोनों हीरो हैं, सो दोनों करेक्टर हैं, दोनों एक्टिंग कर रहे हैं और कॉमेडी पिक्चर है। ये ऐसी कॉमेडी नहीं कि इनके ऊपर हंसी आएगी, ये कॉमेडी है जो एक दो दोस्तों की एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है और कैसे केमिस्ट्री है वो निकल के बाहर आएगी। सर बट एक्चुअली आई वुड लाइक टू डिसएग्री, बिकॉज आपके ट्रेलर के जो ओपनिंग में एक जोक देखा आपने कि वो लोग नोट देखते हैं एंड देन दे आर लाइक कि ये 5,000 का नोट एंड 50-50 वाला जोक, सो डोंट यू थिंक उसकी वजह से ऑडियंस में थोड़ा एक बस क्रिएट हुआ कि नहीं? बट अगर आप नोटिस करो उसको हमने कैसे शूट किया, वो बहुत सीरियस है। वो छोड़ो, मैं आपको और एक जोक बताता हूँ। पिक्चर में उनको विजयराज बोलता है कि अगर तुम लोग ये सब करते रहोगे तो तुमको 20 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो संता बंता को बोलता है यार 20 साल जेल में चक्की पीछेंगे तो इतने आटा का करेंगे क्या, इतने पराठे खाएगा कौन? वो बड़े सीरियसली बोलते हैं, यू में लाफ बट इन द फिल्म कोई भी अरे यार देखो सरदार कितना फनी है या ये कुछ नहीं है। हाँ, ये जो एक नॉर्मल से लोग, इतने स्वीट इनोसेंट पंजाबी दिल वाले लोगों को गलत आदमी गलत मिशन में भेज देते हैं जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता, एंड हाउ दे कम बैक विक्टोरियस एंड सेव द कंट्री। अगर आप वैसे भी तूती बोलती है फिल्म, वैसे भी आप पंजाब में जाएंगे तो दे आर वेरी स्वीट, मतलब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो हर चीज के दो मतलब होते हैं उनके। और मेरी बीवी सरदानी है, मुझे रात को घर जाना है, वो मारेगी अगर मैं कुछ गलत दिखाऊंगा। सर आप आज कॉल करना चाहूंगा, वीरदास ने आज तक ऐसा कोई डिफरेंट रोल प्ले नहीं किया, सो हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम, लाइक वाज इट डिफिकल्ट टू डायरेक्ट हिम ऑन इन दिस पर्टिकुलर रोल? नो, सी यू हैव अ वैलिड पॉइंट। बमन सर वाज सो लव्ड एंड अप्रिशिएटेड एज अ सरदार इन एन अर्लियर फिल्म। पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन हमने ये इसलिए पकड़ा कि ये न्यू एज कॉमेडियंस हैं, जो आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी का जो ट्रेंड है कि ये बस बड़े सीधे फेस से एक लाइन बोल देते हैं, आप हंसते हो, वो कोई आपको हंसाने पे मजबूर नहीं करते। सो दीज न्यू एज एक्टर्स वर देयर। जाहिर है कि वीर
उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, उसने दो तीन फिल्में कर ली थी बाय द टाइम वी अप्रोच्ड हिम, बट एक सरदार प्ले करना प्रॉपर फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम, डांस भी उसी में करना है, एक्शन भी उसी में करना है, लेकिन वीर वर्कशॉप्स पे आया, वीर प्रैक्टिस करने आया, वीर ने ट्रेनिंग ली और दोनों ने एक बार भी फिल्म में जो बोलते हैं कि स्टिच पगड़ी या कोई, एवरी डे लाइक अ प्रॉपर सरदार तैयार होते थे, दाढ़ी मूछी पूरी पगड़ी लगाना, पैकअप तक अपनी मेहनत करना। एंड मैं कह सकता हूं कि आप फिल्म जब देखोगे 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप भूल जाओगे कैरेक्टर कौन है, प्रॉपर सरदार लगेंगे दोनों प्रॉपर। हाँ जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से सिख दिखाए जा रहे हैं या पंजाबी सुना की अगर बात करें दिलजीत हो गए, जी जी, व्हाट यू वांट टू से, आपके लेवल बढ़ा है या और बढ़ाने की जरूरत है, इंक्रीज? देखो जी, लेवल सच तो ये है, लेवल तब बढ़ा था जब दिलीप बाजी पगड़ी पहन के आए थे। ही इज द फर्स्ट सरदार, गुड लुकिंग सरदार, स्टाइलिश सरदार। उससे पहले क्या था कि हर जगह ज़्यादातर तो सरदार वहाँ पर दिखाते थे, मतलब ताज किसी भी होटल के बाहर उनको दिखाया जाता था, टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता था। लेकिन जब दिलीप बाजी ने 95 में एंट्री मारी और जिस तरीके से उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ डांस करा, जूही चावला के साथ करा, तो उसके बाद पूरा बॉलीवुड में एक ट्रेंड आ गया कि अच्छी तरह से एक यू नो एक रिस्पेक्ट के तरीके से, अभी आज जैसे अक्षय पाजी ने पगड़ी पहनी तो बहुत अच्छे लगते, सनी पाजी ने बहुत उसको करा। लेकिन शुरुआत डेफिनेटली मैं इसलिए कि मेरे भाई हैं, इसलिए कि उन्होंने ये ट्रेंड शुरू करा एंड ही इज़ द ओनली वन जो उस टाइम एक नया स्टाइल, नया नई यू नो एक टर्मन लेके आए थे जिसके पूरा उन्होंने डायमंड्स लगा रखे थे। सो अभी बहुत अच्छी बात है बिकॉज पंजाबी लेवल और जो जितनी मूवीज आ रही हैं, जैसे दिलजीत आ रहा है और अभी अरदास पिक्चर भी आ रही है, तो सब में दे आर डूइंग वेरी वेल। सो डू यू थिंक कि और इंक्रीज होना चाहिए और थोड़ा बढ़ना चाहिए द वे ऑफ पोर्ट्रेल ऑफ सिख, आपको लगता है कुछ और इंक्रीज कुछ होना चाहिए? नहीं, पहले से हो रहा है। देखो सबसे पहले तो अगर हमारी कम्युनिटी हमें सपोर्ट करेगी, साथ देती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। और जैसे मेरा गाना गबरू था, उसमें भी मैं पूरी टर्बन पहन के आया था एंड और पगड़ी वैसे भी पंजाब की शान है। अमिता जी, हम देख रहे हैं आपने एक बहुत बड़ी सी चैन पहनी हुई, हाँ, लेकिन हम देखते हैं अक्सर लोग गोल्ड पहनते, सर ने देखिए पहनी हुई है, चैन का आपने गोल्ड पहनी है, खास वजह आप गोल्ड नहीं ज्यादा पहनते? मैंने शुरुआत में ना जब मैं स्ट्रगलर था ना तो मैं गोल्ड पहना, मैं तो हूँ स्ट्रगलर, नहीं मैं जरूर मजाक कर रहा हूँ। पहले हाँ एक सेकंड, पहले मैं हमेशा गोल्ड ज़्यादा पहनता था, मुझे बहुत पसंद था। अभी सडनली मैंने पूरा देखो वाइट सारा कर दिया मैंने, तो बीच में फिर मैं गोल्ड पहनूँगा, मैंने बालियाँ फिर गोल्ड कर दी, तो ऐसा कुछ खास नहीं, जो अच्छा लगता है मैं पहन लेता हूँ। एंड कई बार असली सोना पहन लेता हूँ, कई बार आजकल नकली है बिकॉज कई बार मुझे एयरपोर्ट पर रोक देते हैं, तो मैं बोलता हूँ यार प्लीज़ ये चेक कर लो, ये दिस इज़ नॉट ओरिजिनल। नहीं मैं बताऊंगा, बैन नहीं किया, कुछ एक आध पोस्टर पे उन्होंने एतराज़ किया और हमने उन कंप्लेंट्स को एड्रेस किया है, वो पोस्टर को विड्रॉ किया है एंड फिल्म उन्होंने देखी नहीं है तो बैन करने का सवाल नहीं उठता। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आप बोलोगे कि सरदारों की तूती बोलती है, इसमें एक वर्ड किसी के खिलाफ नहीं है, स्वीट सिंपल क्लीन फिल्म जिसके आखिर में ये देश बचाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, इनकी तूती बोलती है। और हमारी फिल्म का ट्रेडमार्क गाना भी वही है, संते की तूती बोलती बनते की तूती बोलती, जो मिक्का जी ने और सोनू जी ने एक साथ में गाया हुआ है। तो ये अगर कोई बोले कि ऐसा है और बैन कर देनी चाहिए, मैं कहूँगा प्लीज़ पिक्चर देखिए, अगर आपको एक शॉट भी ऐसा लगेगा, आजकल सेंसर बोर्ड खुद इतना केयरफुल हुआ है, पिक्चर को क्लीन विदाउट कट्स पास किया गया है, ज़रा सा भी अगर उनको लगे कि कुछ हो सकता है वो करने ही नहीं देते, तो वो सारे टेस्ट से हम गुजर चुके हैं। अगर कोई कुछ इस तरह का रूमर फैला रहा है तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मैं खुद फिल्म दिखाऊँगा, सारे कम्युनिटी को दिखाऊँगा, तो इसमें मुझे कोई 1% की भी सच्चाई नहीं लगती है ये जो रूमर हम सुन रहे हैं। और मैं इसका एडवांटेज भी नहीं लेना चाहता कि चलो 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 ये सुनाए कि बैन हो रही है, इससे हमको मीडिया मिलेगा और माइलेज मिलेगी और ये वो, ऐसा पिक्चर में है ही नहीं कुछ, वो खुद देखेंगे तो खुद बोलेंगे। सरदार लोगों के लिए भी आप स्क्रीनिंग रखेंगे जैसे उन्होंने रखी थी अक्षय कुमार ने? हाँ हाँ बिल्कुल रखेंगे, बेधड़क रखेंगे एंड वी आर श्योर यू विल बी प्राउड ऑफ देम। ये लोग बड़ा काम करते हैं सर, कोई ऐसा नहीं है ना हम ये गलती करेंगे, तो बेशक सबको दिखाएंगे। बाजी यू सेड कि अगर हमें कम्युनिटी से सपोर्ट मिले तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, तो सपोर्ट का अगर आप थोड़ा एक्सपांड करना चाहते हैं सपोर्ट इन द सेंस? नहीं वैसे तो बहुत सपोर्ट है एंड
वैसे तो बहुत पूरे सिखों की बहुत सपोर्ट है, पूरे हिंदुस्तान को बड़ी सपोर्ट रही शुरू से लेकर आज तक, चाहे वो देश बचाने की बात हो, धर्म की बात हो, हमेशा सिख आगे रहते हैं एंड हेल्पफुल होते हैं। तो अभी अगर धीरे धीरे जैसे फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही, जाने जैसे चार साहबजादे फिल्म बनाई थी उन्होंने, हैरी भवई जाने, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही है थिएटर पर, और ऐसी अगर और मूवीज़ आएंगी तो और धीरे धीरे लोगों को सरदारों के बारे में पता चलेगा, कितनी उनकी कुर्बानी है और कितने स्वीट, कितने अच्छे लोग हैं और कितने दिलेर लोग हैं। सो धीरे धीरे सपोर्ट मिलती रहेगी और अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी, जैसे संता बंता बनी है, सिंग इज किंग बनी है, या सनी भाई ने जितनी मूवीज़ बनाई हैं, तो उसमें एक अच्छा गुड लुकिंग सरदार वो लेके आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपको क्या लगता है ये फिल्म एक ट्रेडमार्क सेट कर पाएगी? देखो आजकल यू नेवर नो, कुछ भी इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि ट्रेडमार्क का कुछ एक फार्मूला होता है, ये है कि हमने काम किया है, दिल से काम किया है और बाकी जनता के हाथ में है, कोई भी चीज़ में ठप्पा तो लगा नहीं होता। कई बार कोई बहुत बेकार चीज़ होती है चल जाती है, कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है नहीं चलती, कई बार जो अच्छी चीज़ होती है वो चलती है जिसमें पोटेंशियल हो और सही टाइमिंग हो। सो आई एम श्योर कि जैसे ही अप्रैल में ये पिक्चर आ रही है और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो बच्चों को चाहिए कुछ हंसना खेलना, तो फैमिली पिक्चर है, लोग ज़रूर जाएंगे देखने। आप कब नज़र आ रहे हैं बड़े पर्दे पे? यार मैंने पीछे ट्राई करा था, वो ऐसा नहीं कि मुझे हीरो बनने का शौक था, मेरी एक प्रोड्यूसर थी, उसका बहुत सारा पैसा लग गया था, बिकॉज मैं और शान शोज़ कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे और फिल्म पे ध्यान नहीं दे रहे थे हम, तो फिर मैंने वो डिसीजन लिया था कि चलो जो बाकी फिल्म वो बची थी बलविंदर सिंह फेमस हो गया, उसको मैं सपोर्ट करा, मैंने उनको वंदना करके प्रोड्यूसर थी, और पूरी फिल्म को हमने रेडी करा। सो अभी रही बात पर्दे की या मूवी की, जब टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, फिलहाल तो एवरी डे दो दो काम मैं कर रहा हूँ, और थैंक्स टू माय ऑडियंस, थैंक्स टू माय फैंस के पिछले 16 साल से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, और आज हर दो साल नए नए सिंगर्स आते हैं और मैं वहीं टिका हूँ, सस्टेन हूँ बिकॉज ऑफ माई फैंस। बिकॉज सर आपसे एक सवाल है, म्यूज़िक में लोग बोलते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, लेकिन आपका जो ट्रेंड है वो इतने सालों से चलता ही आ रहा है। जी जी जी, पीपल ऑलवेज लाइक यू, पीपल आर स्टिल फॉलोइंग यू, देयर आर लॉट्स ऑफ फैंस स्टिल, यू हैव एंड यू हैव बीन कांस्टेंट। जी जी, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट, लाइक हाउ डू यू वर्क योर वे विद योर? नहीं एक्चुअली खैर मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ या हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनत तो सारे करते हैं, थोड़ा सा मुझे होता है कि मैं फैंस को बहुत प्यार करता हूँ समहाउ, जैसे मेरी कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है, कॉन्ट्रोवर्सी के हिसाब से देखा जाए तो मेरा ग्राफ जो है वो नीचे जाना चाहिए जो लोग सोचते हैं, बट बिकॉज ऑफ माई फैंस मेरी कॉन्ट्रोवर्सी एक तरफ रहती है, मेरे गाने एक तरफ रहते हैं, तो लोग प्यार ही इतना करते हैं, और मैं पूरा कोई भी गाना गाता हूँ, जैसे इन्होंने मुझे सिर्फ इस गाने के लिए कहा था कि आप इस गाने को ट्वीट कर दो, मैंने कहा मुझे आप गाना भेजो, अब मैंने खुद गाना गाया है, और एक साल पहले मैंने गाना गाया, मैंने को बोला कि यार ये गाना बहुत पुराना हो चुका है, अगर आप चाहते हो मैं इसको ट्वीट करूँ, मैं ट्वीट नहीं करूँगा, मैं वीडियो बनाता हूँ, हम मिलकर वीडियो बनाते हैं, और सोनू भाई अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा है, रीमिक्स भी करेंगे, रीमिक्स करेंगे इसको, अगर करना तो प्रॉपर करो, मतलब ये नहीं मैं अपने गाना ट्वीट करूँ और बाद में लोग कहें यार क्या यू नो गाना अच्छा नहीं है, तो अभी तो ये मेरी एक सोच होती है कि जब भी मैं कोई काम करूँ उसको थोड़ा और मेहनत करके क्यों ना अच्छा करें, जल्दबाजी में ये नहीं कि यार अब सर ने गाना दे दिया और मैं बस बैठे बैठे गाने को यू नो कैश करूँ, क्यों ना गाने पे मेहनत करें, और आज कल को ये गाना जब आप सुनेंगे तो आप डेफिनेटली करेंगे यार कि ये भी गाना सुपर हिट है और उस पर मेहनत हुई हुई है। अच्छा आपके साथ एक खास बात ये रही कि आपका गाना जो भी रहा है वो फर्स्ट डे से हिट रहा है, ऐसा हाँ यार लोग सुनते हैं उसके बाद हिट होता है 10 दिन बाद लोगों के, लेकिन जो भी आपने चाहे तू मेरे अगल बगल है जी 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 गाने का, तो ये क्या पहले से स्ट्रेटेजी रहती है कोई ऐसी? नहीं आपने सर बहुत बहुत कमाल का क्वेश्चन करा है, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, मैं पूरे फैंस का आशीर्वाद है, पेरेंट्स का मेरे आशीर्वाद है कि जब भी गाना आता है मेरा पहले दिन में ही गाने को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो जुम्मे की रात हो, अगल बगल हो, पुंगी हो, ढिंका चिका हो, तेनु मैं लव करदा हो, इवन जो अभी तमाशा पिक्चर आई है हीर तो बड़ी सैड, या आज की पार्टी मेरी तरफ से जो कोई फिल्म में गाना है ही नहीं हो, तो ये बहुत ही लकी हूँ या फैंस का बहुत प्यार है कि एक दिन में ही गाना वो और पता चल जाता है कि मिका का गाना है। कभी मैं गाने को लेकर ट्वीट नहीं करता, सर के लिए मैं ज़रूर ट्वीट करूँगा, कभी मैंने ट्वीट नहीं करा मेरा गाना आने वाला, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी मेरा सॉन्ग आ रहा है, बट फैंस का प्यार है कि गाना आते ही वो सुपर हिट हो जाता है, और मैं बहुत सीरियस होकर गाने को गाता हूँ, अभी आने वाले टाइम में जैसे हाउसफुल 3 आ रही है तो उसमें भी एक अच्छा गाना मैं लेके आ रहा हूँ।